पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री प्रधानमंत्री कई रैलियां करेंगे चुनाव के दौरान, लेकिन आसपास के राज्यों से उड़ीसा झारखंड से भी सांसद और नेता लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ है विशेश्वर टुडू। भले ही प्रोफेशन से आप इंजीनियर हो लेकिन सांसद हैं मयूरभंज से, उड़ीसा से। क्या है महत्व बंगाल के चुनाव का और क्या जरूरत है सब नेताओं को आने की? देखिए ये जो अब चुनाव देखते ना, ये चुनाव नहीं ये एक लड़ाई है। जैसे हम लोग देश को आज़ादी के लिए हम लोग लड़े लगे थे ब्रिटिश के विरुद्ध में, ऐसे अभी बंगाल में ऐसे हो गया है। इसलिए अभी जरूरत है, बंगाल को बचाना है तो देश को बचाना है, जैसे ये बराबर है। इसीलिए हम लोग नेशनल पार्टी से आए हैं, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज होल वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी हम लोग का केंद्र में सरकार है, इसीलिए हम लोग का दायित्व है, कर्तव्य का है कि हम लोग यहाँ आए और कुछ करें। टुडू साहब, जहाँ आपकी सरकार है, झारखंड है या बाकी सारे राज्य हैं जहाँ पर आपकी सरकार कई दशकों तक रही है, वहाँ पर भी तो आदिवासियों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो भूल जाते हैं, बंगाल पर नजर है? नहीं नहीं, ये देखिए, ये ऐसा होता है कि बहुत समय में हम लोग देखे हैं कि आदिवासी लोग बहुत सरल है और उन लोग को गुमराह किया जाता है, उन लोग को भ्रमित किया जाता है, उनको दूसरा रास्ता पिलाया जाता है। यहाँ अभी भी मान लीजिए कि ब्रिटिश चला गया, लेकिन वहाँ भी और एक ब्रिटिश का कुछ रह गए कि वो लोग आदिवासी लोग को इधर उधर वो रास्ते पे ले जाते हैं, इसीलिए बहुत सारी हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो उन राज्यों में भी तो आपकी सरकार है, तो क्या वहाँ सरकार विफल है? नहीं नहीं, सरकार विफल नहीं है, सरकार बहुत कुछ कर रहा है, फिर भी मैं जो बोला ना, वो प्रतिकूल भी हो जाता है। मान लीजिए कि धार्मिक के भावना में और कुछ ऐसा में उन लोग को इधर उधर जो भ्रमित किया जाता है ना, इसीलिए उन लोग का थोड़ा ऊपर वो जा नहीं पाते हैं। अभी बंगाल में करीब 6% से ज़्यादा आपके ST हैं, उन पर 16 से ज़्यादा सीटों पर उनका असर है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे समीकरण को? नहीं, ये तो बिल्कुल, देखिए मैं पिछले लोकसभा चुनाव में मैं आया था तो यहाँ का जनता पूरा समूह, बंगाल की जनता समूह ने मन बना लिया कि ये जो कुशासन है हमको मुक्त मिलना है और वो शुरुआत हुई है और 18 हम लोग लोकसभा जीते हैं। और अभी भी आदिवासी लोग भी, मैं ऐसे पूछ रहा था, बहुत सारी जगह पे फोन कर रहा था कि आपका नहीं, ये तो परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन, वो जो नारा है परिवर्तन, इसलिए वो परिवर्तन जरूर होगा और वो परिवर्तन होने के बाद ही फिर आदिवासी लोग का कुछ। तो तीन ऐसे बड़े काम जो केंद्र सरकार ने किए हैं आदिवासियों के लिए, जिन पर आप गर्व करते हैं? देखिए पहले तो एजुकेशन के लिए अभी हम लोग का जो रेसिडेंशियल स्कूल सब बनता है, और बाकी पहले में हम जाएंगे तो जो हम लोग का ओलचिकी भाषा को मान्यता दिए हैं वो तो बहुत बड़ा, पंडित रघुनाथ मुर्मू जो ओलचिकी का स्रष्टा है उसका जो मान्यता मिला है 8th शेड्यूल में, वो तो हम लोग का बहुत सफलता है, वो BJP सरकार ने ही किया था। और अभी एजुकेशन के लिए भी बहुत ये करता है, मान लीजिए कि उन लोग का जो स्टाइपेंड भी बढ़ाता है, ऐसे बहुत सारी आप गिनती करेंगे तो बहुत सारी आदिवासियों का के लिए भाजपा सरकार ने कर रहा है। देखिए गिनती है, और गिनती ही एक ऐसी चीज़ है जो लगातार जारी रहती है नेताओं के साथ, कम से कम सत्ता पक्ष में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झाड़ग्राम, ABP न्यूज़। ABP News, आपको रखे आगे।